Ladies and gentlemen, the selective targeting of Kashmiri Hindus once again has been unleashed by Pakistan-backed jihadi front. In fact, Rakesh Pandita was shot outside his home yesterday by Islamists. His only fault, he was a Hindu and linked to the BJP. Rakesh Pandita is one of the many who have been the victims of Islamist hate. The Muslim supremacists had proudly taken onus for the ethnic cleansing back in 1990 when Kashmiri Pandits were thrown out of Kashmir. And just like that, and Lashkar offshoot today took responsibility for yesterday's cold-blooded murder of Pandita. The killers didn't only lead the xenophobic attack, but also issued a threat to harbingers of change in the valley. And amidst all this, there is a deafening silence of those who are otherwise vocal for rights of a few. In fact, don't forget their cries of how the stealth decision of revoking Article 370 had destroyed the democracy of Kashmir. Today, the same left liberal Lutyens lobby is completely silent. In fact, not one word of condemnation coming in from this lobby today. And ladies and gentlemen, that leads me to the legitimate question on the News Hour tonight. And the question is, will left Lutyens end and condemn this Islamist hate? That's the question and the debate. Killed for being Hindu. That's the hashtag and the debate coming up. You're watching the News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. And joining Sanju Verma on the debate is Majid Haidri and also Jawaharlal Pandit, uncle of Rakesh Pandita. Also joining me is Paras Pandita, son of the victim Rakesh Pandita. I want to ask you, aur main aapse poochna chahti hoon, Paras Pandita ji. Aapke pita ji Tral gaye the development work ke liye. Aapne ye kaha hai apne reports mein. आपको कभी अंदेशा था कोई आपके पिताजी को कोई पहले थ्रेट्स आए थे या जब से आर्टिकल 370 के रेवोकेशन के बाद डेवलपमेंट की बात आती है तो टेररिस्ट को लगता है कि ये डेवलपमेंट ये बदलाव कश्मीर में आना नहीं चाहिए और इसलिए आपके पिताजी जैसे हिंदुओं का कत्ल किया जाता है. थ्रेट्स का तो अभी पापा ने मुझे कुछ बताया नहीं कि उनको थ्रेट्स मिले थे कि नहीं, तो थ्रेट्स का मुझे नहीं पता उनको भी आए थे या नहीं. तो कुछ एलिमेंट्स हैं श्रीनगर में कश्मीर में जो चाहते हैं कि डेवलपमेंट ना हो, इसलिए मेरे पापा जैसे लोगों को टारगेट किया जाता है. पापा वहाँ किस काम से गए थे, क्या काम करवा रहे थे त्राल में? जब आते थे वो बताते थे कि मैंने रोड्स बनाए, स्कूल्स में टॉयलेट्स हुआ है, डस्टबिन हुआ है, काफी बात बताते थे. जवाहर जी राकेश जी वहाँ त्राल में क्या अक्सर जाया करते थे? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो त्राल में ही वो टाइम गुजारा करते थे. ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग वर्क, क्योंकि उसका वो तो क्योंकि त्राल तो हमारा एक होम टाउन है, बर्थ प्लेस है, वी आर कनेक्टेड टू आवर रूट्स. तो उसके जब वैन ही गॉट इलेक्टेड थ्रू ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस एज काउंसिलर एंड एज ए कॉरपोरेटर, तो थोड़े से वो उत्साह हो गए और उन्होंने कहा मैं अब त्राल को थोड़ा सा दिखाऊंगा, त्राल को थोड़ा सा चेंज करूंगा. और वो उसका ये बड़ा पैशन था, तो काम कर रहे थे, थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पर. लेकिन क्या है कि वहाँ पर तो वैसे ही है कि जो माजिद हैदरी, आई वांट टू आस्क यू, और जो वहाँ पर पार्क जो जी बोल जी बोलिए. हाँ, वहाँ जो पार्क स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है,
वो तो इसमें एक अड़चन डालना चाहते हैं कि वहाँ पर कश्मीर में कोई तरक्की ना हो, लोग वहाँ पर कोई तरक्की ना करें, डेवलपमेंट ना हो जाए, और जो उनके जो मेलाफाइड इंटेंशनज हैं सेक्शनिज्म के, तो वो तो उसी पर तुले हुए रहते हैं। तो उसी तरह से जो भी कोई होता है उसको तो वो टारगेट बनाते देते हैं। नहीं तो हम तो हमारे तो मतलब मैं तो हैरान हूँ कि हमारे साथ वहाँ के लोगों के कभी कभी इतने अच्छे रिलेशन रहे हैं। मेरे घर में भी वहाँ के लोगों में हैरान हूँ। मैं तो उन लोगों से इस वक्त पूछना चाहता हूँ कि आपने राकेश पंडित को क्यों मारा। वहाँ के मेरे जो मेरी मेजॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, मेरे घरों में उनकी बच्चियाँ, मैंने उनको पाला है। आप वो मैं भी त्राल के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप नहीं बता सकते? उनको पता है कि मेरे उनको पाला है, उनको यहाँ ट्यूशन करवाया है, उनको यहाँ पर इलाज करवाया है, और फिर यहाँ का मेरा बच्चा, मेरा भतीजा यहाँ से जाता है और आप उसको मार डालते हो, जबकि वो आपकी सेवा करना चाहता है, आपका वो काम करना चाहता है, और वो खुद नहीं गया ही एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए। हैरान हो जाते हैं किस लिए, क्यों यह हुआ। और हैरानी की बात है, अभी भी कभी सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जिससे हैरानी हो जाए, जो मतलब इतने बैड टेस्ट में होते हैं, पता नहीं क्या बात है, किन को क्या करते रहते हैं वो लोग। इतना अभी इतना जहर है। माजिद हैदरी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये भी जम्मू और कश्मीर के लोग हैं, ये पंडित फैमिली भी है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आते हैं, चुनकर आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, डेवलपमेंट के लिए आते हैं। आज शांत क्यों है लिबरल लॉबी? नॉट वन कॉन्डेमनेशन? क्यों? हिंदू का खून लाल नहीं होता? हिंदू के खून पर नाविका साहिबा, दिस इज अ स्टेट ऑफ कलेक्टिव मॉर्निंग फॉर एवरी ह्यूमन। नाविका साहिबा, दिस इज अ स्टेट ऑफ कलेक्टिव मॉर्निंग फॉर एवरी ह्यूमन देन टू टॉक अबाउट एनी हिंदू और मुस्लिम। एंड आई एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट सिंपैथीज विद द बिरीव्ड फैमिली, बट द पॉइंट इज दैट इट इज टेरर, टेरर एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज वी आर बीइंग रूल्ड बाय अ पार्टी व्हिच इवन अलाउड कोविड-19 टू अनलीश टेरर, दैट द पीपल डाइड फॉर द वांट ऑफ ऑक्सीजन, पीपल वर थ्रोन इनटू गंगा। वी हैव अ काइंड ऑफ एन इनसिक्योर एनवायरनमेंट अक्रॉस द कंट्री ऑन एवरी फ्रंट। Can I please respond? This is an absolutely baseless and nullified allegation. So what is this baseless? Your own BJP General Secretary Ashok Kohli ji said it's a secret plan. It's not Majid Hedri saying, it's your own Ashok Kohli General Secretary saying that it's a secret plan. And security labs should be on the government, not on Majid Hedri or any Kashmiri or Muslim or Hindu. This is your failure. The topic of discussion is the mayhem unleashed by radical Islamics. No, Majid Hydri, how dare you compare COVID-19 to this kind of terror? This is unleashed Absolutely. By those who you Amiga support. This is an offshoot of Lashkar. This is an offshoot of Lashkar which has taken the onus for this killing. I want to ask you, Majid Hydri, आपका तो दिल इनके लिए धड़कता है ना सारा टाइम? आज इनसे सवालों के जवाब क्यों नहीं मांगते? क्योंकि हमारे साथ यहाँ बैठे हैं उनके बेटे, पंडित साहब के बेटे बैठे, राकेश पंडित के। आप सवाल पूछिए ना, सवाल पूछिए लश्कर और पाकिस्तान ने जितने लोगों को बिठा रखा है, क्योंकि आप तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं ना माजिद हैदरी, सिंपथीज एक्सप्रेस करने से क्या होगा? जवाब लाके दीजिए। वो बेटा मांग रहा है जवाब, वो भी जम्मू और कश्मीर में उतने ही हक से रहता है जितने हक से आप रहते हैं। मैडम, इस देश में कोई देशवासी हक से रह ही नहीं रहा, ऐसी बीजेपी ने सरकार बना दी है। आप कह रही थी टेरर, पेशेंट को व्हेन अ पेशेंट डजंट गेट ऑक्सीजन इट्स एन एक्ट ऑफ टेरर, व्हेन द पेशेंट इज नॉट गेटिंग वैक्सीनेशन दैट टू इज एन एक्ट ऑफ टेरर। आई कंडेम ऑल टेरर। क्यों माजिद हैदरी, बीजेपी की सरकार डेमोक्रेटिकली नहीं आई थी क्या? इस देश के लोगों ने वोट नहीं किया था? आप डिसाइड करेंगे क्या बैठ के यहाँ पर कि कौन सी सरकार आएगी और कौन सी सरकार नहीं आएगी? दैट हैज बीन आवर कलेक्टिव फॉल्ट, वी नीड टू अपोलोजाइज। संजू वर्मा रिस्पॉन्ड टू दिस ऑब्नॉक्शियस चार्ज मेड बाय मिस्टर माजिद हैदरी। You know, Navika, I just want to say one thing. Ever since Article 370 and Article 35A, ever since these have been revoked in 2019, you know, people have been crawling out of the woodwork. And when I say people, I mean the likes of Majid Hydri and his ilk.
The fact of the matter is that after more than 70 years, a lot of the people who were left out of the main framework of development are now getting mainstreamed in Jammu and Kashmir. Anju Verma Sahiba, you never empowered the people. I will give you a small you empowered example. COVID-19. You the empowered Chinese virus. You have not empowered any Kashmiri, any Indian for the that matter. The percentage was 71%, which tells you people want to vote for development. In the DDC election, six parties together could not win more than 110 seats. The BJP alone won 174 seats. That again endorses. No, is the killing of Rakesh Pandit some development? Modi. Do you call these Margats as development? The is Shamshan Ghat a development? Is Mangudar a development? 2015. And more than 30% of Mr. Majid Haidri, Mr. Majid Haidri, allow me to put some facts before you. Allow me to put some facts before you. On 1 minute. There is a People's Anti-Fascist Front in June 2021, which has taken onus for this killing. And I want to ask you, the Resistance Front in April 2021 actually came out and said RSS wants to settle ugly Hindutva vermins in Kashmir. RSS trying to plant Hindutva ecosystem to change the demography of Kashmir. A jeweler was shot dead in Srinagar by the Resistance Front in January 2021. And you know what they said? Domicile for outsiders is unacceptable. They are the occupiers. Anyone who seeks domicile will be treated as an RSS agent. And nobody can ever forget what happened to the owner of the Krishna Dhaba and his son. You know, we've seen this. Hindus are being targeted. You know, you can't just run away from this fact, and it is being situation where Hindus are being targeted. Majid Haidri, should we blame the terrorists for this, or should we ask the government that why is there a did the government create the situation in 1990 as well, when the Kashmiri pandits were thrown out, and today when the government is laying the ground to bring them back to their homes, you want to create a situation like this? Hindu-Muslim divide. So in the last 30 years, there were hardly any pandits getting killed, but the targeting who was taking place only since August 5, 2019, because of the sinister design. Who decided to do away with the and its failure to provide security to the people? Land grab for you and your kind of people, the BJP government, who opened the Senani Nashri Tunnel in 2017. Manju Verma Sahiba, your own party leak says it's a party failure. It's not me saying the show is saying. He said it's a security failure. Incentive package in Jammu and Kashmir, the most government. Who ensured that the seventh you are not bothered about any Indian citizen being a Kashmiri. The Modi government. Who ensured that the Indian citizen. One minute, Majid Haidri. Majid Haidri and Sanju Verma, just hold your thoughts. Let me get in Paras Pandit. पारस पंडित, आप क्या समझते हैं आपके पिताजी को टारगेट क्यों बनाया गया? आपकी क्या समझ है? मेरे पापा जो उनके ट्रायल जो है वो होम टाउन था, काफी लगाव था उस जगह से, तो तिरंगा उठाने के लिए उनको मारा गया, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसलिए मारा गया उनको. तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं कर रहे थे, वो उन्हीं का काम कर रहे थे, रोड्स बना रहे थे, उनको मारा गया. यही इस्लाम सिखाता है, यही कश्मीरियत है. क्या ये कश्मीरियत है क्या? माजिद हैदरी जी जवाब दीजिए, पारस को जवाब दीजिए, ये कश्मीरियत है क्या के तिरंगा उठाने के लिए किसी को मार दिया जाए? आपका अपना घर है, आप ऐसा नहीं समझो बेटा. कश्मीर का हर घर आपका अपना घर है, जिस घर में चाहो कश्मीर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं. आपकी जो परेशानी है, मैं आज आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता. आप उसको बता रहे हैं, डाला है सरकार ने, आप उसको बता रहे हैं, उस बच्चे को बता रहे हैं जिसने 24 घंटे पहले अपने सर से अपने बाप का साया उठते हुए देखा है. और उस फैमिली ने 30 साल पहले भी एक वाक्या देखा था 1990 में, किस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था. आज जब उनके घर लौटने का वक्त है,
माजिद हैदरी, एक और पंडित चला गया, शहीद हो गया, और उसका जुर्म क्या था? तिरंगा, और ये के कश्मीर डेवलप हो, खुशहाल हो। कम से कम आज के दिन तो वो लोग जिन्होंने इतनी आवाजें उठाई CAA पर, जिन्होंने इतनी आवाजें उठाई एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पर, आज कम से कम दो आंसू राकेश पंडित के लिए भी बहा देते, दो लफ्ज राकेश पंडित के लिए भी कह देते, लेकिन आज उनकी आवाज गुम है। They've lost their voice, ladies and gentlemen, and that is why I question their secular credentials. That is why I question their commitment to democracy. Because Rakesh Pandit, who lost his life yesterday, is as much an Indian as anybody else, as much a Kashmiri as anybody else. Why has a part of India forgotten to raise their voice tonight? Why have they forgotten to condemn even this killing? It's a question they must search their souls for. Thank you very much for joining me on the News Hour.